हेलो फ्रेंड्स, हॉरर लैंड में आपका स्वागत है। आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उसका नाम है द अनइनवाइटेड, जो कि एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है। ये साउथ कोरिया में रिलीज़ हुई मूवी द टेल ऑफ टू सिस्टर्स का रीमेक है, जिसे 2003 में रिलीज़ किया गया था। द अनइनवाइटेड मूवी को चार्ल्स गार्ड और थॉमस गार्ड ने डायरेक्ट किया है। इसकी IMDb रेटिंग 6.2 आउट ऑफ 10 है और मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी है। मूवी की खास बात यह है कि मूवी का एंड बहुत ही ट्विस्टेड और अनएक्सपेक्टेड है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। मूवी की स्टार्टिंग में एना नाम की लड़की मेंटल असाइलम यानी कि पागलखाने में होती है, जहां वो डॉक्टर सिल्वरलिंग को 10 महीने पहले हुए हादसे के बारे में बताती है। वो बताती है कि उस रात वो अपने बॉयफ्रेंड मैट के साथ अपने घर के थोड़ी ही दूर बीच पर पार्टी में थी और मैट उसके साथ बदतमीजी कर देता है, जिससे वो अपसेट हो जाती है और पार्टी से अपने घर की तरफ जाती है। रास्ते में उसे 3 कचरे के बैग दिखाई देते हैं, जिससे खोलने पर उसमें एक छोटी सी बच्ची की लाश होती है। वो अचानक पलटकर एना से कहती है कि घर वापस मत जाना। एना डर के मारे वहाँ से अपने घर की तरफ ही भागती है, जहाँ उसे अपने घर से थोड़ी ही दूर बने बोटाउस से बेल की आवाज़ सुनाई देती है, जो एना की मॉम के हाथ में बंधी थी। एना की मॉम काफ़ी बीमार थी और अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। एना की मॉम अपने आखिरी दिन उस बोट हाउस में बिताना चाहती थी, इसलिए उसे वहाँ शिफ्ट कर दिया गया था। एना जब बोट हाउस में जाती है तो अंदर जाने पर उसे कुछ ठीक नहीं लगता। एना को लगता है कि वहाँ कोई बुरी आत्मा या भूत है, और तभी अचानक वहाँ आग लग जाती है और एना की मॉम वहीं जलकर मर जाती है। प्रेजेंट डे में डॉक्टर सिल्वरलिंग एना की सारी बातें नोट कर रहे थे। एना डॉक्टर सिल्वरलिंग को बताती है कि उसे बस इतना ही याद है। एना को अपनी मॉम की मौत का बहुत ही गहरा सदमा लगा था, जिससे कि उसकी याददाश्त चली गई थी। डॉक्टर सिल्वरलिंग एना का सेशन ख़त्म करते हैं और कहते हैं कि वो अब बिल्कुल ठीक है और एना इस मेंटल असाइलम से वापस अपने घर जा सकती है। उसके फादर उसे लेने आ चुके थे। एना अपना सारा सामान पैक करती है कि तभी असाइलम की दूसरी पेशेंट एना का हाथ पकड़ लेती है, क्योंकि वो एना के घर वापस जाने से खुश नहीं थी, और वो एना से कहती है कि उसके जाने के बाद वो अपने दिल की बातें किसे सुनाएगी। और तभी असाइलम के गार्ड्स एना को उस पेशेंट से छुड़वा कर उस पेशेंट को ले जाते हैं। एना अपने डैड स्टीवन के साथ घर जा रही थी, जो कि एक राइटर थे। वो एना को अपनी नई बुक दिखाते हैं, जिस पर एना और उसकी बहन का नाम देखकर एना बहुत ही खुश होती है। और स्टीवन एना को खाने के लिए कुकीज़ देते हैं, जो कि उनकी गर्लफ्रेंड रेचल ने बनाई थी। रेचल एना की मॉम की नर्स थी, और एना की मॉम के बाद रेचल एना के डैड के साथ ही रहती थी। एना रेचल को पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो रेचल की बनाई कुकीज़ नहीं खाती है। एना अपने डैड के साथ जब घर पहुंचती है तो रेचल एना को देखकर बहुत ही खुश होती है, लेकिन एना रेचल से मिलकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। थोड़ा समय बीतने के बाद एना उसी बोट हाउस में चली जाती है, जहां जलकर उसकी मॉम की मौत हुई थी। तभी एना की सिस्टर एलेक्स वहां आ जाती है। एलेक्स एना को रेचल के बारे में बताती है कि कैसे उसने अपनी मॉम की मौत के बाद उनके डैड को उसके प्यार में फंसाया। एलेक्स एना से कहती है कि वो उससे नाराज़ है, क्योंकि एना ने उसकी एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। एना बताती है कि उसे असाइलम में कोई भी चिट्ठी नहीं मिली। इसे सुनकर एलेक्स समझ जाती है कि यह किसका काम हो सकता है। वो सीधा अपने डैड के पास जाती है और पूछती है कि आखिर क्यों उन्होंने ऐसा किया, जिस पर उसके डैड कोई जवाब नहीं देते और एलेक्स वहाँ से चली जाती है। एना भी अब अपने घर आ चुकी थी, जहाँ उसकी मुलाकात रेचल से किचन में होती है। एना को किचन में कुछ अलग सा लगता है। पहले किचन में एक चॉकबोर्ड हुआ करता था, जिस पर एना की रियल मॉम उनके लिए मैसेजेस लिखा करती थी, जो रेचल ने हटाकर ऊपर स्टोर रूम में रख दिया था। एना उस चॉकबोर्ड को वापस लेने ऊपर स्टोर में जाती है, जहां उसे उसकी मॉम की बेल और कुछ पुराने फोटोग्राफ्स मिलते हैं, जिसे लेकर वो अपने कमरे में आ जाती है। इधर रात हो चुकी थी, एना सोने की तैयारी कर रही थी, तभी अचानक उसके रूम का दरवाज़ा खुलता है और पास ही में टेबल पर रखी बेल अपने आप बजने लगती है, जिससे कि एना बहुत डर जाती है। अब कोई अनजान व्यक्ति धीरे धीरे एना की तरफ आ रहा था कि तभी अचानक एक डरावना हाथ एना के बेड पर आता है, जिससे कि एना बहुत डर जाती है और एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद हो जाता है। एना देखती है कि वहाँ अब कोई नहीं है। तभी एलेक्स वहाँ आ जाती है। वो टेबल पर रखी उस बेल को देखकर एना से उसके बारे में पूछती है और यह कहकर उसे फेंकने के लिए कहती है कि इस बेल को रेचल किसी पेट शॉप से लाई थी और उसने उनकी मॉम के हाथों में इसे बांध दिया, ताकि जब रेचल उसके डैड के साथ बिजी हो तो उसे उनकी मॉम के आने का पता चल जाए। यह कहकर एलेक्स वहाँ से चली जाती है।
नेक्स्ट डे एना किचन में स्टोर रूम से लाए उस चॉकबोर्ड को हथौड़े की मदद से ठोक रही थी, लेकिन वो कील की जगह दीवार पर ही हथौड़े मार रही थी। रेचल वहाँ आती है और उसके आते ही एलेक्स वहाँ से चली जाती है। एलेक्स के जाने के बाद रेचल एना को एलेक्स के बारे में भड़काती है, जिसके कुछ ही देर बाद एना भी एलेक्स के पीछे पीछे अपने बोट हाउस चली जाती है, जहाँ एना का एक्स बॉयफ्रेंड यानी कि मैट एना के घर का सामान डिलीवर करने आता है, क्योंकि उसकी मार्केट में एक शॉप थी। मैट के आते ही एलेक्स दोनों को अकेला छोड़कर चली जाती है। एलेक्स के जाने के बाद मैट हादसे वाली रात के लिए एना से माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसने उस हादसे वाली रात सब देखा था। लेकिन तभी वहाँ रेचल आ जाती है और मैट के कुछ बताने से पहले ही सामान लेकर मैट को वहाँ से जाने को कहती है। जब शाम होती है तो एना, एलेक्स, रेचल और एना के डैड लिविंग रूम में होते हैं, जहाँ रेचल स्टीवन की बुक की लॉन्च पार्टी में बहुत सारे लोगों को बिना किसी को बताए इनवाइट कर लेती है। एना को बुरा लगता है कि रेचल किसे खुद कोई डिसीजन ले सकती है, जबकि वो उनकी फैमिली की मेंबर भी नहीं है। और एना वहाँ से उठकर बोट हाउस चली जाती है। अंदर जाने पर वो देखती है कि वहाँ बहुत ही अंधेरा है और उसे बहुत ही अजीब लगता है। वो देखती है कि ज़मीन पर कुछ पड़ा हुआ है और अचानक ही एना की मॉम का भूत ज़मीन से उठता है और एना की तरफ आता है। एना की मॉम बहुत ही डरावनी दिख रही थी। वो एना की तरफ आती है, जिससे एना डर के मारे बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, जिसे सुनकर एलेक्स वहाँ आती है और एना को संभालती है। रेचल भी बाहर आ जाती है और उसे देखकर लग रहा था कि वो एना से बहुत ही नाराज़ है। सीन यही कट हो जाता है और अगले दिन एना और एलेक्स बाथरूम में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, ताकि उन्हें कोई सुन ना पाए। एलेक्स का कहना था कि उसे लगता है कि उनकी मॉम को रेचल ने मारा है। वो चुपके से बोट हाउस में गई होगी, वो जनरेटर रूम से पेट्रोल लीक किया होगा और मौका देखकर आग लगा दी। एलेक्स और एना बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक रेचल बाथरूम का दरवाज़ा नॉक करती है और उनसे कहती है कि वो मार्केट जा रही है और उसे हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। एलेक्स सर दर्द का बहाना बनाकर वहीं रुक जाती है, जिसके कारण एना को रेचल के साथ जाना पड़ता है। एना और रेचल रेस्टोरेंट में होते हैं, जहाँ एना रेचल के गले में एक मोतियों का नेकलेस नोटिस करती है और उससे उसके बारे में पूछ लेती है, जिस पर रेचल कहती है कि यह नेकलेस उसे उसकी एक पेशेंट ने गिफ्ट किया था, क्योंकि वो अपने पेशेंट की गंदगी वगैरह साफ़ करती थी। वो एना के साथ में अपने दिल की बातें शेयर करती है कि उसके साथ लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते, फिर भी वो बिना किसी कंप्लेंट के उनका सारा काम करती थी। तभी एना की नज़र टेबल पर पड़ती है, वहाँ पर उसे फिर वो लड़की दिखाई देती है जो मूवी के स्टार्टिंग में कचरे के ढेर में एना को दिखी थी। उसके साथ और दो लड़के थे और वो उसी की तरफ देख रही थी। रेचल एना को आवाज़ देती है और तब तक वहाँ से सब कुछ गायब हो चुका था। अब वे शॉपिंग करने मार्केट जाते हैं, जहाँ एना की मुलाकात मैट से होती है। एना मैट से कहती है वो सब जानना चाहती है जो उसने आग लगने वाली रात देखा था। मैट एना से कहता है कि वो उसे यहाँ पर सारी बात नहीं बता सकता और एना को रात 11 बजे लेक के पास आने को कहता है, जिस पर एना हाँ कर देती है। अचानक रेचल वहाँ आ जाती है, जो कि काफ़ी नाराज़ लग रही थी, और वो मैट से कहती है कि उसे अब सामान उसके घर डिलीवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वे दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। एना रात होने का इंतज़ार करती है और 11 बजते ही वो एलेक्स को भी लेक के पास ले जाती है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद मैट वहाँ नहीं आता और वो दोनों निराश होकर वापस घर आ जाते हैं। एना सो जाती है और उसे सपने में फिर वही लड़की अपने दो भाइयों के साथ दिखाई देती है। तभी किसी की आवाज़ से एना की नींद खुलती है और खिड़की से मैट अंदर आता है। वो पूरा भीगा हुआ था और एना के पूछने पर वो बताता है कि आते वक्त वो गिर गया था और उसकी पीठ में चोट आई है। मैट एना को हादसे वाली रात के बारे में बताते बताते इंटीमेट होता है। एना जब उसकी पीठ पर हाथ लगाती है तो महसूस करती है कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है और मैट धीरे धीरे किसी शैतान में बदलता जा रहा था। वो एना के हाथ जोर से पकड़ता है और कहता है कि रेचल ने उसे एना से मिलने से मना किया था, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी और ये सब हो रहा है। धीरे धीरे मैट शैतान में बदलता जा रहा था और एना डर के मारे भागकर बाहर आ जाती है, जहां वो देखती है कि बाहर सुबह हो चुकी है और लेक के पास बहुत भीड़ जमा है और पुलिस भी लेक में कुछ ढूंढ रही है। वो एलेक्स के साथ बाहर जाती है और देखती है कि पुलिस लेक से मैट की लाश निकाल रही है, यानी कि मैट अब मर चुका है। टाउन के लोकल शेरिफ एना के पास आते हैं और मैट की मौत पर सिंपथी जताते हैं और एना से कहते हैं कि उसे किसी भी तरह की ज़रूरत हो तो वो उनसे बोल सकती है। शेरिफ के जाने के बाद एना उसके डैड को बताती है कि मार्केट में मैट उसे हादसे वाली रात के बारे में बताने वाला था, जिसे रेचल ने सुन लिया था, और रेचल ने ही मैट को मारा है ताकि वो उसकी पोल न खोल पाए।
एना के डैड कहते हैं कि वो बेकार की बातें करना छोड़ दें और वहाँ से चले जाते हैं। एना रोते हुए बाथरूम में जाती है और वो एलेक्स को बताती है कि मैट रात को उससे मिलने आया था और वो कोई सपना या भ्रम नहीं था, क्योंकि एना के हाथों पर मैट के पकड़ने के निशान अभी तक थे। अब एलेक्स को भी लगने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है और वो एना से कहती है कि अगर रेचल ने ही उनकी मॉम और मैट को मारा है तो उन दोनों की जान को भी खतरा है, और रेचल के कुछ गलत कदम उठाने से पहले उन्हें रेचल के इरादों का पता लगाना होगा कि आखिर रेचल चाहती क्या है। एना एलेक्स के साथ मिलकर रेचल की पुरानी ज़िंदगी के बारे में पता लगाती है। वो उन सब जगह पर टेलीफोन पर पूछताछ करती है जहाँ रेचल काम किया करती थी या रहा करती थी, और जो जानकारी सामने आती है वो बिल्कुल चौंका देने वाली थी। अगेन सीन कट होता है। रेचल शाम की पार्टी की तैयारी कर चुकी थी और खुद अपने कमरे में तैयार हो रही थी, तभी एना उसके कमरे में आती है। वो रेचल से उसका असली नाम पूछती है। एना रेचल को बताती है कि उसने नर्स एसोसिएशन में रेचल समर्स के बारे में पूछताछ की, लेकिन रेचल समर के नाम से कोई नर्स वहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, और उसके आईडी कार्ड पर जो सीरियल है उससे उन्हें पता चला है कि रेचल समर नाम की एक टीचर थी जो 5 साल पहले ही मर चुकी है। एना रेचल से ये भी कहती है कि वो सारी बातें जाकर अपने डैड को बता देगी, जिस पर रेचल कहती है कि उनके डैड को इस बारे में सब पता है, और वो एना से कहती है कि उसे फिर से मेंटल असाइलम भेजने की ज़रूरत है, जिस पर एना गुस्सा हो जाती है और रेचल एना को अपने कमरे से बाहर करके दरवाज़ा लगा देती है। इधर पार्टी शुरू हो चुकी थी। रेचल सभी मेहमानों को अटेंड कर रही थी और वो अकेले ही सारा काम भी कर रही थी। एना एलेक्स से कहती है कि वो सुबह होते ही पुलिस को सब बता देगी, और एलेक्स ड्रिंक करने चली जाती है। एना के डैड एना से कहते हैं कि वो किचन में जाकर रेचल की मदद करें, क्योंकि रेचल ही सारा काम कर रही है। एना किचन में जाती है जहाँ रेचल मीट पका रही थी। वो एना से डस्टबिन साफ करने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। एना अपना काम कर रही थी कि एक मेटल की कैन टेबल के नीचे चली जाती है, जिसे निकालने के लिए एना झुकती है और अंदर से वही लड़की बाहर आ जाती है, जिससे डरकर एना पीछे वाली टेबल से टकराती है और रेचल का बनाया मीट ज़मीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर रेचल एना पर बहुत ही गुस्सा होती है, लेकिन एलेक्स उसका बचाव करने वहाँ आ जाती है। इस फैमिली ड्रामे को देखकर सारे गेस्ट वहाँ से चले जाते हैं। रेचल की पार्टी अब बुरी तरह से स्पॉइल हो चुकी थी और एना के फादर भी गुस्सा होकर अकेले अपने रीडिंग रूम में बैठे थे। तभी एना अंदर आती है और अपने डैड से कहती है कि जो भी पार्टी में हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, रेचल की वजह से ही सब हुआ, और रेचल की असलियत भी उन्हें बता देती है, जिस पर एना के डैड एना से कहते हैं कि उसे रेचल के बारे में सब पता है और वो रेचल से इसी महीने शादी भी करने वाले हैं। एना फिर से रेचल के बारे में उल्टी सीधी बातें कहती हैं, जिससे कि उसके डैड को गुस्सा आ जाता है, और वो एना से कह देते हैं कि उसे फिर से मेंटल असाइलम भेज देना चाहिए, और वो एना को वहीं अकेला छोड़कर चले जाते हैं। अगले दिन रेचल, एना और एलेक्स मैट के फुनरल में जाते हैं, जहाँ एना को भीड़ के बीच फिर एक बार वही लड़की दिखाई देती है। एना उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। एना ये भी देखती है कि उस लड़की के साथ उसके भाई भी आ जाते हैं, और वे सब एक कब्र के पास आकर गायब हो जाते हैं। एना एक टूटी हुई कब्र में आकर गिर जाती है और उठने पर पास ही में लगी 3 कब्र देखती है, जिस पर डेविड राइट, सैमुअल राइट और आयरिस राइट का नाम होता है। एना घर आकर एलेक्स के साथ राइट चिल्ड्रंस की मौत के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि अप्रैल 1996 में 3 बच्चों का बुरी तरह से मर्डर कर दिया गया था, और ये मर्डर उन्हीं की केयर टेकर 19 साल की लड़की मिल्ड्रेड कैंप ने किया था। और उन्हें यह भी पता चलता है कि मिल्ड्रेड कैंप राइट चिल्ड्रंस के पिता के प्यार में थी और उनकी माँ की मौत भी एक हादसे में हो गई थी। एना को इंटरनेट पर राइट फैमिली की एक फ़ोटो मिलती है, जिसमें एक लेडी वही नेकलेस पहने हुई थी जो रेचल पहना करती थी, जो उसे उसकी एक पेशेंट ने गिफ्ट किया था। वो मोतियों से बना नेकलेस ही एकमात्र सबूत था जिससे कि रेचल को किलर साबित कर सकते थे, और उसे पाने के लिए एलेक्स और एना एक प्लान तैयार करते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी सारी बातें रेचल बाहर दरवाजे से सुन रही थी। रात होने पर एलेक्स और एना रेचल के रूम में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन रूम लॉक्ड था, इसलिए एलेक्स बाहर खिड़की से रूम में घुसने की कोशिश करती है, और एना रेचल के पर्स से उसके रूम की चाबी चुरा कर ले आती है। एना जब चाबी लेकर वापस आती है तो देखते हैं कि दरवाज़ा खुला हुआ है और वो मोतियों का नेकलेस भी वहाँ नहीं था। तभी रेचल कमरे के अंदर आ जाती है, वो
और एना को अपने कमरे की छानबीन करते देख लेती है। रेचल एना को वही नेकलेस दिखाती है और उससे कहती है कि वो उसे इसे दे देगी, लेकिन रेचल अपने दूसरे हाथ में कुछ छुपा रही थी। एना रेचल के हाथों से वो नेकलेस छुड़ाती है, तभी रेचल अपने दूसरे हाथ में छुपाया इंजेक्शन उसे लगाने की कोशिश करती है, लेकिन एना उसका हाथ पकड़ लेती है। और रेचल जब उसे इंजेक्शन लगाने आती है तो एना पास में पड़ी परफ्यूम की बोतल से उसके सिर पर हमला कर देती है, जिससे कि रेचल घायल होकर नीचे गिर जाती है। और एना रेचल से नेकलेस लेकर एलेक्स के रूम में आ जाती है और रूम का डोर लॉक कर लेती है। वो अंदर देखती है कि एलेक्स बेहोशी की हालत में ज़मीन पर पड़ी है। वो धीरे धीरे बोल पा रही थी और वो बताती है कि रेचल ने उसे ड्रग्स इंजेक्ट किया है और एना को अकेले ही जाकर शेरिफ को सब बताना होगा। एना भागकर नीचे जाती है और कार स्टार्ट करती है, लेकिन रेचल उसे रोकने की कोशिश करती है और एना कार तेज़ी से भगाकर शेरिफ के पास आ जाती है। वो शेरिफ को बताती है कि रेचल ही मिल्ड्रेड कैंप है, जिसने राइट फैमिली के तीनों बच्चों का खून किया है। वो रेचल ने ही मैट उनकी मॉम को भी मारा है। एना शेरिफ को सबूत के तौर पर रेचल के पास से मिला नेकलेस और इंटरनेट वाली फ़ोटो बताती है। शेरिफ को देखकर लग रहा था कि वो एना की बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं। वो एना को वहीं रोकने के लिए कहते हैं और खुद उसके घर जाते हैं। शेरिफ के जाते ही एना वहीं काउच पर सो जाती है और जब एना की आँख खुलती है तो वो अपनी मॉम को सामने चेयर पर बैठा देखती है, जो उसकी तरफ आ रही थी। और वो अचानक रेचल में बदल जाती है, जिसके साथ शेरिफ भी थे। वो एना को पकड़ते हैं और रेचल उसे इंजेक्शन लगा देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और रेचल उसे वापस अपने घर ले आती है। रेचल एना को कंधे पर उठाकर उसके रूम में लाती है और उसके बेड पर पटक देती है। एना पास में रखे चाकू तक पहुँचने की कोशिश करती है, लेकिन नशे में होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाती। रेचल एना के सारे कपड़े उतार देती है और एना से कहती है कि वो चाहकर भी माँ नहीं बन पाएगी। वो एना के अंदर अपनी बेटी को देखती है और रेचल एना के कपड़े चेंज करके वहाँ से चली जाती है। जब एना पूरी तरह होश में आती है तो देखती है कि कमरे के बाहर खून के निशान हैं। ऐसा लग रहा था मानो किसी को घसीटकर कहीं ले जाया गया हो। एना निशान का पीछा करते करते बाहर कूड़े के बड़े से डब्बे के पास आती है। उसे लगता है कि शायद एलेक्स रेचल के हाथों मारी गई, लेकिन उस डब्बे का ढक्कन खोलने पर एना देखती है कि रेचल खून में लथपथ मरी पड़ी है और वो पास में खड़ी एलेक्स को खून में सना हुआ चाकू लिए देखती है। एलेक्स हम शब्द का उपयोग करके एना से कहती है कि हमने बहुत कोशिश की, लेकिन रेचल को मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तभी एना के डैड वहाँ आ जाते हैं। वो एना और एलेक्स के कपड़ों में खून लगा देखकर सवाल करते हैं। एना बताती है कि रेचल ने उनके जाने के बाद एना को ड्रग्स दिया और एना और एलेक्स को मारने की कोशिश की, इसीलिए एलेक्स ने खुद को बचाने के लिए रेचल को मार दिया। एलेक्स का नाम सुनकर एना के डैड चौंक जाते हैं। वो एना से कहते हैं कि एलेक्स ऐसा कैसे कर सकती है, वो उस आग वाले हादसे में जलकर मर चुकी है। तभी एलेक्स एना से कहती है कि उसे सिर्फ वही देख सकती है। एना जब पास में खड़ी एलेक्स की तरफ देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। एलेक्स के हाथ में पकड़ा चाकू अब एना के हाथ में था, मतलब एना ने ही रेचल का खून किया था। एना वहाँ से भाग कर अपने बोट हाउस में आ जाती है और अब खुलता है मूवी का असली राज। हादसे वाली रात एना मेट से नाराज़ होकर अपने घर जाती है। वहाँ वो रेचल, जो कि तब उसकी माँ की नर्स थी, और अपने डैड को एक साथ देख लेती है। अपने पिता को किसी और के साथ देखकर वो आग बबूला हो जाती है। वो लैंप लेकर अपने बोट हाउस से पेट्रोल लेने जाती है, ताकि वो रेचल को घर के साथ साथ जला दे। जल्दी जल्दी में एना पेट्रोल टैंक का टैप ठीक से बंद नहीं करती, जिससे पेट्रोल लीक हो रहा था। तभी एलेक्स वहाँ आती है और एना को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एना एलेक्स को वहीं बंद कर देती है, जिससे कि लैंप गिर जाता है और फ्यूल टैंक से रिस रहे पेट्रोल से वह आग लग जाती है। एलेक्स और उसकी मॉम वहीं अंदर होती है और आग के कारण वो पूरा बोट हाउस जल जाता है और वो दोनों अंदर मारे जाते हैं, जिसके सदमे से एना उभर नहीं पाती और उसे पागलखाने भेज दिया जाता है। 10 महीने बाद डॉक्टर को लगता है कि एना ठीक हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसे हर वक्त एलेक्स दिखाई दिया करती थी, जबकि वो पूरे टाइम अकेली थी। मूवी में दिखाया जाता है जब जब एना और एलेक्स के साथ कोई और व्यक्ति आता है तो एलेक्स वहाँ से चली जाती है, जैसे कि मैट जब एना से मिलने आता है तो एलेक्स दोनों को अकेला छोड़कर चली जाती है। और जब एलेक्स और एना बाथरूम में होते हैं और रेचल आवाज़ लगाती है तो भी एना वहाँ अकेली थी। और इतना ही नहीं, एना ही मैट को मारती है, क्योंकि मैट ने उसे हादसे वाली रात देख लिया था। एना को लगता था कि एलेक्स जिंदा है और उसी के साथ है, जबकि वो अकेली और खुद से बात कर रही होती है।
एना को इंटरनेट पर राइट फैमिली और उनके बच्चों की मौत के बारे में पता चलता है जो कि मिल्ड्रेड कैंप ने की थी। वो राइट फैमिली और खुद की स्टोरी को इतना समान मानती है कि उसे लगता था कि रेचल ही मिल्ड्रेड कैंप है। रेचल का पुराना बॉयफ्रेंड उसे मारा करता था और उससे बचकर एना के यहाँ नौकरी करने आई थी, इसलिए उसने अपना नाम बदल लिया था और इसके बारे में वो एना के डैड को बता चुकी थी। एना अक्सर अग्रेसिव हो जाया करती थी और इसी के चलते रेचल जो कि एक नर्स थी उसे इंजेक्शन देकर शांत करती थी। वो एना को अपनी बेटी की तरह मानती थी क्योंकि रेचल कभी माँ नहीं बन सकती थी। लेकिन उसे क्या पता था, जिसे वो अपनी बेटी समझ रही है वही उसकी मौत का कारण बन जाएगी। मूवी के एंड में एना को पुलिस ले जाती है जहाँ से उसे फिर वही मेंटल असाइलम शिफ्ट कर दिया जाता है। वहाँ एना को वही पेशेंट दिखती है जो मूवी की स्टार्टिंग में उसे जाने से रोक रही थी। उसके हाथों में सेम वही नेकलेस था जो राइट फैमिली में हुआ करता था और वो एना के वापस आने पर एना को वेलकम करती है। दरअसल ये पेशेंट और कोई नहीं बल्कि मिल्ड्रेड कैंप ही थी जिसे एना रेचल को समझ रही थी और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताएं और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस जल्दी आने वाली है तो हमारे चैनल हॉरर लैंड को जल्दी सब्सक्राइब करें क्योंकि हॉरर अभी बाकी है।